हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं यहाँ पे आपको फील्ड में लेकर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिंपल और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने जो ये प्लांट है, ये है लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। इसकी अगर आप लीव्स देखो तो ये है कंपाउंड लीफ। अब बच्चों, आपको कैसे पता लगेगा कि सिंपल और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये सारी लीव्स जो है आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक ही लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसके फाइव जो है डिफरेंट पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। और लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कॉमन है, यानी कि कॉमन एक्सिस पे ये सारे जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी कंपाउंड लीफ होती है, और अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो आपकी जो लीफ है वो यहाँ से सेपरेट भी हो जाती है। सो दिस इज़ कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड में भी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, पिनेटली एंड पामेटली। तो यहाँ पर ये जो है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पामेटली कंपाउंड लीव, बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी सारी लीव्स अटैच्ड हैं। से यहाँ पे अब आपके सामने एक और लीफ मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीफ, बट दिस इज़ अ पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको लंबी सी एक्सिस दिखेगी, सेंट्रल एक्सिस, विच इज़ नोन एज अ रेचिस, और आपकी सारी जो लीव्स हैं वो इसके आसपास अरेंज्ड है। सो दिस इज़ अगेन ए कंपाउंड लीफ। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कंपाउंड लीफ आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, पामेटली एंड पिनेटली। सो दिस इज़ पिनेटली, मतलब जिसमें आपको एक रैचिस दिखेगा और उसके अराउंड लीव्स होंगी, तो उसे हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। और जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिखाया था, दैट वॉज पामेटली कंपाउंड लीफ। अब हम बच्चों आ गए हैं पपाया के पेड़ के पास। पपाया में भी आपको दूर से ही बहुत क्लियरली लीव्स दिख रही होंगी। दीज आर अगेन कंपाउंड लीव्स। इसमें इस तरह की इंसीजन होती हैं, अगर आप इसको एक जगह से भी कट करोगे तो ये इंसीजन जो है सीधा इसके मिडरिप को टच करेगी। और ये भी कंपाउंड लीफ एंड दिस इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ पामेटली कंपाउंड लीफ, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट पे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कॉमन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट पे आपकी सारी लीव्स जो है वो अटैच्ड है। ओके बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं गुआवा ट्री के पास, यानी कि अमरूद के पेड़ के पास। तो यहाँ पे बच्चों जो आपको लीव्स दिख रही हैं, दीज आर द सिंपल लीव्स, क्योंकि अभी जो मैंने आपको कंपाउंड लीव दिखाई थी उस तरह का इसमें कोई इंसीजन, कोई कट्स नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि बिल्कुल प्लेन लीफ है। इसके अंदर आपको सेंट्रल में एक मिडरिप दिख रही होगी और ये इसके साइड में वेनलेट्स आपको दिख रहे होंगे। और ये जो है बेटे आपका रेटिकुलेट विनेशन है। रेटिकुलेट विनेशन में मैंने आपको बताया था कि सेंटर में एक मिडरिप होती है और सारे जो वेनलेट्स हैं उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम मैं आपको टॉपिक अब थ्रू एग्जांपल बताना चाहूँगी, दैट इज़ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ए ब्रांच। किस तरीके से लीव्स अरेंज्ड होती हैं, तो हमने थ्योरी में बच्चों तीन तरह की पढ़ी थी, ऑपोजिट, ऑल्टरनेट एंड व्हॉर्ल। तो अभी मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, दिस इज़ ए प्लांट ऑफ अंजीर। अंजीर का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छा ड्राई फ्रूट होता है जिसको बेसिकली आइसक्रीम्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो लीव्स हैं ये ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हैं। यहाँ पे एक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट गैप पे नेक्स्ट साइड पे दूसरी है, फिर अगेन तीसरी है। तो ये जो है आपका ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ऑपोजिट की। अगेन मैं यहाँ पे गुआवा प्लांट के पास ही आई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दो लीव्स हैं वो बिल्कुल एक ही पॉइंट से अमर्ज हो रही हैं, बट द डिफरेंस इज कि वो दोनों ऑपोजिट साइड्स पे आ रही हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। आप यहाँ पे इसको क्लोजली देखिए, जो इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कॉमन है, बट एक यहाँ लेफ्ट साइड पे अमर्ज हो रही है और एक राइट साइड पे। सो दिस इज़ ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक पपाया प्लांट है जो अभी भी ग्रो कर रहा है। सो पपाया इज एग्जांपल ऑफ वॉल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक गुच्छे की तरह एक ही पॉइंट से आपको बहुत सारे लीफलेट्स इमर्ज होते हुए दिख रहे होंगे। अब हम यहाँ पे बच्चों, हमारे पास ज्वार का पौधा है। ज्वार जो आपको पता होगा एक सीरियल क्रॉप है, जिसको हम बेसिकली कैटल्स के लिए एज अ फीड भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप मिलेट भी बोलते हो। अगर आप इसमें क्लोजली एग्जामिन करो तो इसमें जो है पैरेलल विनेशन प्रेजेंट होती है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ये बाकी की वेनलेट्स हैं वो सारी मिड रिब के साथ पैरेलल अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं। और अगर हम इसकी रूट की बात करें, तो क्योंकि जो आपका ज्वार है दैट इज़ ए मोनोकोट,
तो मोनोकोट में जो रूट्स हैं दे आर फाइबरस रूट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको प्लांट को जो है मिट्टी में से अलग किया है, तो इसके अंदर जो है फाइबरस रूट्स प्रेजेंट हैं। आप ये नहीं बता सकते कि मेन रूट कौन सी है, सारी रूट्स एक साथ ही एमर्ज हो रही हैं। इसके साथ साथ इसमें स्टिल्ट रूट का एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा एनकरेजमेंट के लिए इसमें स्टेम के कुछ दूसरे पार्ट से भी रूट्स एमर्ज हो जाते हैं, विच आर नोन एज स्टिल्ट रूट्स। इसी तरीके से आपने घास देखी होगी, ग्रास, जो ग्रास है दैट इज़ अगेन अ मोनोकोट, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि पैरेलल विनेशन प्रेजेंट होती है। और अगर इसको भी आप जड़ से निकाल के देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट दे ऑल्सो रिप्रेजेंट फाइबरस रूट सिस्टम। यहाँ पर बच्चों मेरे हाथ में आप देख सकते हो पीपल का पौधा है, इसके अंदर जो विनेशन है दैट इज़ रेटिकुलर टाइप ऑफ विनेशन, आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक मिड वेन है और उसमें से वेनलेट्स इमर्ज हो रही हैं। और जैसे कि मैंने इसको मिट्टी में से निकाल दिया है तो इसमें जो रूट सिस्टम है दैट इज़ अ टैप रूट सिस्टम, आपको दिख रहा होगा कि एक इसमें मेन आपकी बड़ी सी जड़ है और उसके साइड में से प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेज आ रही हैं। तो जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे रिमेंबर करनी है वो ये है कि जितने भी आपके मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स में आपका फाइबरस रूट सिस्टम होता है और पैरेलल विनेशन होती है, और जो आपके डाइकोट्स हैं, डाइकोट्स में आपका टैप रूट सिस्टम होता है और रेटिकुलेट विनेशन होती है।